तो हेलो गाइस, भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं होंडा SP125 CC बाइक के बारे में। तो भाई बहुत प्यारी कंडीशन की बाइक, आप देखो मतलब ऑल ओवर लुक्स के साथ भाई बाइक बहुत अच्छी लगती है। आप फ्रंट लुक देखो, आपको इसका बहुत ही शानदार दिखेगा। कम बजट में सारे एडवांस फीचर के साथ ये बाइक मिल जाती है आपको मार्केट में, और भाई इसकी प्राइसिंग भी बहुत ही ज़्यादा एकदम चिप पे भारी नहीं पड़ने वाली। फ्रंट लाइट, टेल लाइट इवन इसकी आपको LED में मिलने वाली है। और बाइक में मतलब सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा भाई। ओवरऑल लुक विद ग्राफिक्स ब्लू कलर के साथ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है इस टाइम। तो भाई ये वाली बाइक मुझे तो ज़्यादा पर्सनली अच्छी ही लग रही है। तो अगर मैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ भाई, 11 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें आपको मिल जाता है। ब्रेकिंग सिस्टम में आगे डिस्क पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं, नॉर्मल जो थोड़ा बाइक में मिल जाते हैं कम बजट में वो। और सीटिंग कैपेसिटी एडजस्टमेंट की बात करूँ भाई, एकदम ब्यूटीफुल पीछे ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं आपको देखने के लिए। इसके प्राइसिंग भी बताऊँगा मैं इस बाइक के आपको एंड में वीडियो के। थोड़ा सा पीछे से टेल लाइट का भाई डिज़ाइन देखिए, LED में मिलती है। बाइक का जो डिज़ाइन दिया गया है ना भाई, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है वो। सीटिंग्स के बारे में बात करूँ बहुत अच्छी है। और भाई इसके एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस बाइक की जो लेंथ विड्थ हाइट है वो ज़रूर बताना चाहूँगा मैं। 22 mm की लेंथ मिल जाती है, 785 का mm का इसमें आपको विड्थ मिल जाती है, और हाइट 1103 mm। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाते हैं। फ्यूल टैंक मैं आपको बता चुका हूँ। ऑडोमीटर स्पीडोमीटर दोनों के दोनों डिजिटल में मिलेंगे आपको। और भाई जो इसकी हैंडल की ग्रिप है वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मिलने वाली है। और भाई इंजन का स्टार्ट ऑफ क्लिंक स्विच आपको राइट साइड में मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। किक एंड सेल्फ स्टार्ट बाइक है। पावर माइलेज 65 किलोमीटर पर लीटर का ये माइलेज आपको निकाल के दे देती है। एक्स शोरूम ऑन रोड प्राइस इसका जो होने वाला है 84 से 88,000 तक जाता है। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई देखते रहना।